सब ठीक है? अच्छे से देखिए, हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? 13। 13 चैप्टर बेटा अपने बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 14, स्वर्ण नगरी की सैर। कौन सी? सोने की नगरी। और आप कौन सी नगरी में रहते हो? गुलाबी नगरी में। कौन सी नगरी में रहते हो? गुलाबी नगरी। हम सब गुलाबी नगरी में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण नगरी की सैर, अर्थात सोने की नगरी की सैर। देखो बच्चों, चैप्टर पढ़ने पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ देखते हैं कि देखिए शब्दार्थ क्या है। अच्छे से, स्वर्ण नगरी, सोने सा शहर। कैसा शहर? सोने जैसा। कैसा? सोने जैसा। दुर्गम यानी मुश्किल, और पाषाण यानी पत्थर। नक्काशी, नक्काशी का मतलब बच्चों पत्थर से की गई कारीगरी, है ना? पत्थरों से की गई कार्य को क्या कहते हैं? नक्काशी। और पोल यानी बड़ा द्वार। पोल यानी क्या होता है बच्चों? बड़ा द्वार। और प्रतिमाएं, प्रतिमाएं यानी मूर्तियां। और आस्वादन, स्वाद लेना। और रुख यानी मुंह, दिशा, है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्ण नगरी की सैर, सोने सा शहर। ठीक है बच्चों, हम जो है उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोने की नगरी। ठीक है, अब अच्छे से देखो कि भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जैसलमेर के बारे में। इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं, हेम नगर कहते हैं, बड़ किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसलमेर को किस किस नामों से जाना जाता है? सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, हेम नगर के नाम से जाना जाता है बच्चों, और जो है बड़ किवाड़ आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। बच्चों ये रेतीली धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। जहां रेती रेत होती है वहां चलना भी हमारा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख, लेकिन जैसलमेर की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तक ले उंगली दबाते हैं, मतलब बहुत खुश होते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं कि जो है ये स्वर्ण नगरी सोने के समान लगती है, ये कितनी सुंदर है। हालांकि यहाँ रेत ही रेत है, लेकिन रेत कैसी होती है? जब हम रेत को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सोना ही सोना बिखरा हुआ है। तो इस प्रकार जो है लोग जो है जैसलमेर को देखकर बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसी सुंदर नगरी को देखकर। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों को अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती। यानी पूरे विश्व में, पूरे संसार में ऐसी जो जैसलमेर नगरी जो है, स्वर्ण नगरी जो है, ये किसी से मेल नहीं खाती है, अर्थात इस जैसा और कोई नगर नहीं है जैसे कि जैसलमेर है, सोने की नगरी है। ठीक है बच्चों, इतनी सारी बातें सुनने के बाद जब हम किसी जगह के बारे में सुनते हैं कि इतना सुंदर है, इतनी अच्छी अच्छी जगह है देखने को, तो हमारा मन क्या करता है बच्चों? उसको देखने के लिए करता है। अगर हम कहें कि हमारा जयपुर नगर गुलाबी शहर है, सब जगह गुलाबी गुलाबी जो है कलर से जो सब बना हुआ है, मंदिर है ना, हवा महल है, सब जगह जो है आमेर का किला है, तो ये सारी चीजें गुलाबी गुलाबी रंग से है। तो इसी प्रकार हमें देखने की इच्छा होती है। उसी प्रकार जब जो है जैसलमेर के बारे में सब कहते हैं कि इतना सुंदर है कि संसार में इस जैसा कोई नहीं है, तो इस कारण से जो है हमें इसको देखने की इच्छा हुई। तो लेखक कह रहे हैं इसमें कि हमें भी इसको क्या हुई? इसको देखने की इच्छा हुई कि ये जो है कितना सुंदर है, क्या है इसमें। अब देखो तो क्या कह रहे हैं, ये इतनी सारी बातें सुनने के बाद पूरी पांचवी कक्षा के विद्यार्थी, आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हो बच्चों? पांचवी। और जो है ये पांचवी कक्षा के विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी ने घूमने का निर्णय लिया, फैसला किया कि हमें तो ये जैसलमेर नगरी, सोने की नगरी देखनी है। तो सर्दियों की छुट्टियां, बच्चे जब स्कूल खुले रहते थे तो हमें भी रहता था कि अभी हमारी गर्मियों की छुट्टियां आई, अब हमारी सर्दियों की छुट्टियां आई, अब हमारी दीपावली की छुट्टी आई, अब हमारी होली की छुट्टी आई, है ना? तो इसी प्रकार जो है स्कूल खुले रहते थे तो सब छुट्टियों का पता चलता था, लेकिन अब तो हम घर बैठे हैं तो इसलिए हमें पता ही नहीं कि अभी क्या हो रहा है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी,
यानी सर्दी की छुट्टी में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हो गए। उनके अध्यापक का क्या नाम था बच्चों? संदीप। क्या नाम था? संदीप, जो आप उनको हिंदी पढ़ाते थे पांचवी कक्षा के बच्चों को। तो उन्होंने टीचर के साथ अपने अध्यापक के साथ जाने का फैसला किया कि हमें संदीप सर के साथ जैसलमेर जाना चाहिए। बीकानेर से बस रात में चली तो सब जो है अपने संदीप सर के साथ जो है कहाँ चले? जैसलमेर की तरफ, है ना। बीकानेर से बस जो रात से चली, रात में चली, और बरका, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजा करते सो गए। सभी बच्चों को जब बाहर जाते हैं घूमने जाते हैं तो बहुत मजा आता है क्योंकि सारे मित्र मिलते हैं, है ना, आपस में दोस्त मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, घूमते हैं, है ना। और जो इस प्रकार हंसते नाचते घूमते हुए वो जो रात हो गई देर तक फिर सो गए, है ना, मजाक करते हुए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसलमेर जो है सूर्य की किरणें बच्चों जब निकलती है पाषाण का मतलब पत्थर, जैसे ही जब बच्चों की नींद सुबह जल्दी खुली तो उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणें जो है सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण यानी पत्थर के कणों को चमका रही है। बिल्कुल सुंदर, इतना ऐसा लग रहा है जैसे सोना ही सोना रखा हो यहाँ। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे। बच्चे जब बच्चे जाते तो कहीं जगह होती है तो इन्होंने एक होटल करी थी बुक और वहां पर सब बच्चे ठहरे और तैयार होकर घूमने निकले। बच्चे नहाए धोए नाश्ता किया और घूमने के लिए निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। उन्होंने कहा हम सबसे पहले किला देखेंगे। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। बच्चों जैसलमेर का किला कहाँ पर गए? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है और महारावण राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया इस किले का निर्माण? किसने करवाया बच्चों? जो किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जानते हैं और इसको महारावण राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। हम प्रथम पोल फिर अखी पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। सब बच्चे और उनके अध्यापक दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थर से बनी हुई है। किले की जो सड़क बनी हुई थी वो भी कैसे बनी हुई थी बच्चों? पत्थरों से बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, बच्चों ने क्या क्या देखा वहां? बच्चों ने वहां रंग महल देखा, मोती महल देखा, जय मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन किए। तो बच्चों को वहां बहुत मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहां पहुंचकर। इनके पत्थर पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है, यानी वहां पर जो पत्थर से मूर्तियां बनी हुई है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज है बच्चों? 99। कितने बुर्ज है? 99, ठीक है बच्चों, 99 बुर्ज है। और ये जो है आगे देखो कि दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व जरोखों की नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हवेली व जरोखों की नगरी भी कहते हैं। बच्चे छोटी छोटी खिड़कियां बनी होती है उनको क्या कहते हैं? जरोखे, ठीक है। इनके जरोखों पर की गई नक्काशी बहुत लाजवाब है, यानी इसका कोई जवाब नहीं। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है। इनका सौंदर्य देख हम आज से चकित रह गए। हम देखने लगे कि कितना सुंदर बनाया है। जिन्होंने भी बनाया है कारीगरों ने वो इतना सुंदर बनाया है कि देखते ही बनता है, ठीक है। हवेलियां देखने बाद हम जो है गणेश्वर गए। कहाँ पर गए बच्चे और उनके अध्यापक? गणेश्वर गए। यह तालाब सबके से यहाँ के वासियों की प्यास जाता है। जो भी आता है पक्षी वगैरह व्यक्ति वो जो है वहां पर क्या करते हैं? पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चे यहाँ की प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता है। जो पत्थर है उसमें सुंदरता ही सुंदरता भरी है क्योंकि कारीगरों ने इतनी सुंदर सुंदर क्या बनाई है बच्चों? मूर्तियां बनाई है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर कौन सा है? इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचा बनी हुई है। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस लगी। जब बच्चे बढ़ते जाते आगे तो थक जाते हैं तो उनको क्या हुई? थकावट हुई। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिवस हमने बादल ग्लास और जवाहर ग्लास देखे, यानी एक दिन बच्चे थक गए, सारा कुछ देख लिया।
और दूसरे दिन उन्होंने बांदर विलास और जवाहर विलास देखे और जो है अमर सागर के जैन मंदिर में, वहां जैन मंदिर भी बच्चों बहुत सुंदर सुंदर है, टूटा देखकर हम सब पहुंचे, ठीक है सब पहुंचे। और वहां रेत का अथाह समंदर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जैसलमेर में पूरा रेत ही रेत रेगिस्तान थी, है ना। वहां पर बच्चों ने हमें बर्फ ही अपना चीजता है, जहाँ रेगिस्तान है बच्चों को मिट्टी मिट्टी देखकर मजा रखा और सब लोग जो है मिट्टी देखने के लिए नीचे नीचे भागने लग गए, है ना। देखो बच्चों ना, हम सब के दोनों की मखमली देखकर खूब नाचे, रेत कैसी है मखमली बिल्कुल हल्की हल्की, तो बच्चों को रेत में खूब मजा आए, क्योंकि सर्दियों में तो क्या होता है अगर गर्मी होती तो बच्चों रेत गर्म होती, लेकिन सर्दियों के दिन थे तो सर्दियों में तो रेत बहुत अच्छी लग रही थी, तो बच्चे वहां पर खूब नाचे कूदे और मस्ती करे, ठीक है बच्चों। बच्चे पिकनिक मनाने क्या करने जाते हैं, मस्ती करने, नाचने कूदने, है ना, एंजॉय आनंद लेने के लिए जाते हैं बच्चों, है ना। देखो बच्चे वहां खूब नाचे खूब मस्ती करी और वहां ऊंट की सवारी भी उन्होंने की। वहां वहां पर जो बच्चों आपको बताया है कि जो है रेत जहाँ है वहां, वहां ऊंट जो आसानी से सवारी कर सकता है, हम वहां रेत में नहीं चल सकते इतना ज्यादा, लेकिन ऊंट जो है वो रेत में बहुत आसानी से सवारी करता है, रेत पे चल सकता है और जो है काफी समय तक वो जो है क्या करता है बिना पानी के भी रह सकता है, ठीक है। तो मखमली रेत पर बच्चों खूब नाचे, वहां ऊंट की सवारी उन्होंने बहुत रोमांचित किया, बहुत मजा आया, उन्होंने ऊंट की सवारी की, सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए, यानी शाम हो गई, उसके बाद बच्चे वापस कहां लौटे बच्चों, जैसलमेर। बच्चों वहां पर सबसे ज्यादा जो रेत में कौन कर सकते हैं, ऊंट चलते हैं, उनके पैर क्या होते हैं गद्दीदार होते हैं, इसलिए वो रेत में आसानी से चल लेते हैं। यानी ऊंट को आपको पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं, वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, उसके जो पैर कैसे होते हैं बच्चों गद्दीदार होता है, और काफी समय तक बिना पानी के रह सकता है, उनके ऊपर एक कुबड़ होता है, जब वो पानी पीते तो बहुत सारे एक साथ पी लेते हैं, जो उनके लिए काफी समय तक प्यास बुझाता है, ठीक है बच्चों। तो बाद में जब शाम हुई तो जब वापस बच्चे कहाँ गए, जैसलमेर। रात में कैर सांगरी, बच्चों वहां जो है कैर सांगरी, इसकी सब्जियां बहुत अच्छी, पंचकूटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन है, बच्चों ने स्वाद लिया काय का सांगरी का और जो है कैर सांगरी का और जो दाल बाटी चूरमा खाया, बच्चों को बहुत मजा आया, खाया भी बहुत अच्छे से, और जो है अगले दिन उस बड़ा बाग की छतरिया और जो है बुक ऑफिस पार्क को देखा, बस तक पोखरण की हुआ, उसके बाद वो कहाँ चले पोखरण की ओर चले, उन्होंने इतना कुछ देखा उसके बाद बस कहाँ चली पोखरण चले लगी, और पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेती गांव से कथीवन धाम के भी क्या किए बच्चों ने, दर्शन किए बच्चों, और अब बस कहाँ की ओर चली वापस बीकानेर की ओर चली। बच्चों ने रेत वहां जैसलमेर में सारी चीजें देखी, इतना आनंद लिया, रेत में गए, रेत में नाचे कूदे और इतने बड़े बड़े दुर्ग देखे, है ना, महल देखे, तो बच्चों को जैसलमेर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि कारीगर की नक्काशी मूर्तियों पर जो बनाई मूर्तियां जो बनाई गई है वो इतनी सुंदर है कि अपने आप ध्यान आकर्षित हो जाता है, और आप वापिस वो कहाँ की ओर चल पड़े बीकानेर की ओर। हम सब आज भी इस यात्रा को याद करते हैं, बच्चे कहते हैं जैसलमेर इतना सुंदर है जो विश्व में सबसे सुंदर नगरी है, है ना, इसलिए इसे सूर्य कौन सी नगरी कहते हैं, सोने की नगरी, ऐसा लगता है जहाँ सोना ही सोना हो, पत्थर भी सोने जैसे लगते हैं। इसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं कि हम ऐसी जो यात्रा हमने की जैसलमेर की नगरी की, हम घूमने गए उसको हम आज तक भी नहीं भूले, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, है ना। तो जब भी कहते हैं याद करते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं, उस समय खींचे गए चित्र भी आज उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं, कहते जो हमने चित्र खींचे थे फोटो ली थी वो आज भी जो है उसको देखकर हमारी याद ताजा हो जाती है कि कितना सुंदर जैसलमेर है। वास्तव में यात्रा भुलाई नहीं भूलती, बच्चों को बहुत मजा आया, बहुत आनंद दिया, तो इस प्रकार जो कहते हैं कि हम आज भी उस यात्रा को भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां हमें इतना मजा है कि
किए थे। इतनी सुंदर कौन सी नगरी है? सोने की नगरी। कौन सी? जैसलमेर। जैसलमेर को काय की नगरी कहते हैं? सोने की नगरी। जयपुर को काय की नगरी कहते हैं? गुलाबी नगरी। जो और जोधपुर को काय की नगरी कहते हैं? सूर्य नगरी। बच्चों जोधपुर कौन सी नगरी है? सूर्य नगरी। जयपुर कौन सी नगरी है? गुलाबी नगरी। उदयपुर कौन सी नगरी है? झीलों की नगरी। और जैसलमेर कौन सी नगरी है? सोने की नगरी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारे राजस्थान में इतनी सुंदर सुंदर नगर है, कोई झीलों की नगरी, कोई सूर्य नगरी, कोई सोने की नगरी, कोई गुलाबी नगरी, इतने सुंदर सुंदर है कि सब बहुत अच्छा लगता है। ये राजस्थान कितना प्यारा है, सभी लोगों को, बाहर से जो आते हैं सैलानी उनको ये राजस्थान जो है बहुत प्यारा लगता है, उनका ध्यान आकर्षित करता है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको क्या बताया, स्वर्ण नगरी की सैर यानी जैसलमेर की सैर, जहाँ जो है क्या क्या देखा बच्चों ने, पत्थर की नक्काशी देखी, महल देखे, किले देखे, मंदिर देखे, उसके बाद रेगिस्तान में गए, वहां नाचे कूदे, खाया पिया, दाल बाटी है ना, वहां पर क्या खाया उन्होंने? दाल बाटी खाई बच्चों, खूब अच्छा लगा उनको दाल बाटी। और जो वहां पर है सांगरी है ना, कैर सांगरी खाई, उनको खाने में भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार जो है अध्यापक के साथ वो अपनी सारी यात्रा करके वापस लौटते हैं, और वो ऐसी सुंदर नगरी को देखकर वो कहते हैं आज भी हम उसको नहीं भूल पाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें भी जब मौका मिले तो हमें भी इस नगरी को देखना चाहिए, क्योंकि हम तो गुलाबी नगरी में रहते हैं, तो एक बार सोने की नगरी भी देखनी चाहिए, है ना बच्चों। तो अब आप देखो मैंने आपको क्या करवाया, ये शब्दार्थ है, आप ये शब्दार्थ लिखोगे और वर्क करोगे, ठीक है, क्या करोगे वर्क। अब एक बार और कुछ और बात बताती हूँ कि जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर आकुल गांव में दर्जनों पेड़ थे, जो बच्चे जा रहे थे तो हजारों वर्ष तक मौसम की चोटें सहते सहते पेड़ की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई, उस पार्क को राज्य सरकार संरक्षित किया गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है आप क्या करोगे, ये शब्दार्थ लिखोगे कॉपी में और इस चैप्टर के एक बार दोबारा पढ़ोगे कि जैसलमेर में क्या क्या है, क्या क्या देखने को गए हो बच्चे, क्या क्या देखा, कैसा क्या लगा उनको, इस बार में एक बार दोबारा चैप्टर आप और रीड करोगे, लेक्चर बच्चे से सुनोगे और ये शब्दार्थ करोगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, खुश रहिए।